from the ground. When you believe in me. Hey, good morning everyone. Welcome back with the new vlog. तो खुशी जल्दी से निकल रही है ब्रेकफास्ट करने के लिए. बाबू लुक, खुशी रेडी हो चुकी है यार. आपने बहुत सही रेडी हो गए जल्दी जल्दी में. ठीक है, आप जल्दी जाओ, मैं नीचे मिलता हूँ. तो मुझे अपनी जो आज की आउटफिट है उसे प्रेस करना है. ये वाली शर्ट मैं पहनने वाला हूँ उनके साथ. ठीक है, तो जल्दी से मैं एक बार रेडी हो जाता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ. कोज हम लोग बिल्कुल टाइम पे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊँ. सो गाइज, आई एम रेडी एंड अब मैं निकल रहा हूँ. सो मैं हो चुका हूँ रेडी एंड अब हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. मतलब खुशी जा चुकी है ऑलरेडी एंड मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए. उसके बाद हम लोगों को निकलना है आज की अपनी फर्स्ट एक्टिविटी के लिए. तो हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे आए थे, इतनी देर में हमारे ड्राइवर का फ़ोन आया, मतलब भाई बाहर आ जाओ क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों की. सो इट्स 9:56 और 4 मिनट में हम लोग चल रहे हैं जल्दी से. सो ये हैं हमें जो पिकअप करने के लिए आते हैं. चलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ग्राइकॉप्टर एक्सपीरियंस, और ये सबसे सबसे ज़्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस है दुबई में, मुझे लगता है. ग्राइकॉप्टर जरूर जाओ, इसकी डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इंस्टाग्राम आईडी भी इनकी है ना. सो अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं एंड आज हम लोग की हैं 5 एक्टिविटीज़ पूरे दिन के अंदर, जिसमें की पहली होने वाली है ग्राइकॉप्टर एक्सपीरियंस. और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि विवेक ने बोला था कि हमें 9:30 तक मतलब ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि हमें 9:45 तक निकला है. मैं 7 बजे उठ गई थी, मैं 7 बजे उठ के रेडी हो गई, फिर मैं इनको उठा रही जबकि ये बहुत लेट सोए थे व्लॉग वगैरह करके. उठा रही, उठो 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 उठो. हम लोग चलते हैं एंड अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे एंड इन्जॉय करेंगे. बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा है. मतलब पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन मजा सारा सोच यार. अगर मेरा नेट चल रहा होता मैं खुशी को वीडियो दिखाता उसकी. मतलब सनस्क्रीन लगाया जा रहा है भर भर के. मेरा अपना भी घर के भूल के आ गया, घर पे भूल के आ गया. वो पता मैं क्या करूंगा, सुनो. हाँ, जो मेरा सनस्क्रीन है वो आपको गिफ्ट कर दूंगा. इलॉजिकल है. मैं लॉजिकल हूं ना. आप इलॉजिकल हो. यस, ये मेरी बूटी है. बूटी. आप इलॉजिकल हो. ये मेरी बूटी है. बूटी. हम लोग बाहर आते हैं ना, बाहर तो मतलब हमें ऐसा नहीं दोस्त बन जाते हैं. हम दोस्त बन जाते हैं. दोस्त. लेकिन वैसे मैं उसको इतना मारता हूं वैसे घर पे मम्मी के सामने. ऐसे ऐसे से लड़ रहे हैं. लेकिन कल पता क्या, वहाँ हम स्मैश रूम गए थे तो वहाँ के ना उन्होंने ना वीडियो डाली, तो मैंने बाद में देखी हम दोनों 5 लोग इधर डांस कर रहे हैं. वीडियो डाली हमने उस पे अकाउंट पे. पर येलो 17 तक खुशी ने देख लिया यार एकदम येलो. लेकिन बहुत मजा आने वाला है. लेकिन यार वो क्या नाम है, धूप बहुत होगी. वो तो ओपन है ना ऊपर से, है ना. हाँ, मैंने आपको कल ही बताया था कि एक ऐसी चीज है. अच्छा, चला जाइए फर्स्ट फ्लोर. थैंक यू सो मच. इधर रहेगा. ठीक है, मिलते हैं हम जल्दी. ठीक है, थैंक यू. तो अभी हम लोग जा रहे हैं एंड यहाँ पे सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती हैं पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग और स्काई डाइविंग, और वो जिसे हम बोलते हैं पैराकॉप्टर, जायरोकॉप्टर, कुछ भी बोल देते हैं लोग उसको. चेक गाइस. वाओ, ये क्या कर रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं पैराशूट्स को. रीलोडिंग. तो जैसे आप जायरोकॉप्टर एक्टिविटी के लिए आओगे उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा. इसे फिल करते हैं जल्दी से, फिर आगे की एक्टिविटी बताता हूँ आपको. So as I mentioned earlier, this is the gyrocopter model. It's the open top. You'll be seated at the back. Okay. And this is the route of the flight for 20 minutes. We are here at the moment. So taking off, you'll see the Ain Dubai here, up over the palm until the Burj Al Arab area, and then you'll be coming back. Okay. Ready? Yeah. So put your stuff. So guys, we I'll make extra video for you. Yeah. विवेक उधर बैठ गया है, मैं इधर बैठ गई हूँ एंड मुझे मेरा फेस भी दिख रहा है. बाल मैंने अच्छे से टाई कर लिया एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. लेट्स सी क्या होता है. वेलकम टू स्काईडाइव जायरोकॉप्टर. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड लेट्स गो. आई'ल शो यू द बॉक्स. सो फिलहाल आप लोग देख रहे हो ये हमारा ग्राइकॉप्टर जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, पूरे दुबई का टूर करने वाले हैं. खुशी दूसरे वाले क्राफ्ट में है, शी इज देयर. तो खुशी हेलो. तो अभी हम लोग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कैसा होने वाला है. थैंक यू सो मच. ओके, रेडी, लेट्स गो. यार
welcome back. Thank you so much and thanks a lot. It's an amazing experience. मैंने बहुत ज़्यादा enjoy किया. Like ऊपर से सबकी छतें देख रही थी क्या चल रहा है. और यहाँ मैंने एक चीज़ notice करी, सबके घर में pool है. एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं और विवेक अलग अलग थे, उनका एक्सपीरियंस भी अब देखेंगे. एंड थैंक यू सो मच दुबई एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू अ लॉट. कैसा रहा? ऑसम एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस. लाइक ऐसा लग रहा था माँ को देखिए पक्का यार. मैं सच बताऊँ, मैंने इतना चिल किया ऊपर. मैंने भी बहुत, मैं बोल रही थी पर मुझे मेरी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही, हवा बहुत तेज थी और हेडफोन्स लगे हुए थे. एंड जो हम मतलब चाहते थे वो चीज कर पा रहे थे कि ऊपर से ना सारा ट्रैक कर पा रहे थे. सबसे ज्यादा कंफर्ट वाली चीज यहाँ क्या है, विच इज कि ये लोग दबा के शूट करते हैं, मतलब इतना शूट करते हैं. लेकिन ट्रस्ट में भाई, आप लोग दुबई आओ तो और चीजें तो करो ही करो, लेकिन ये चीज तो जरूर करो भाई. ये जायरोकॉप्टर एक्सपीरियंस जरूर करके जाना, बिकॉज ये सबसे कूल है यहाँ पे. जिसे करके मुझे तो बहुत तसल्ली हुई इन्होंने यार, मतलब तसल्ली हुई है. पता कैसे एक्सपीरियंस आया, ऐसा लग रहा था यार आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, विवेक है पीछे, पीछे थे मैंने. तो अब हम लोग निकल चुके हैं फिलहाल अपनी सेकंड एक्टिविटी की तरफ, जो कि है डॉल्फिन इंटरेक्शन. और अब वहाँ पे जाके देखते हैं कि उस लास्ट टाइम हम डॉल्फिन इंटरेक्शन नहीं कर पाए थे, बिकॉज बंद था लास्ट टाइम वो. आज हम डॉल्फिन इंटरेक्शन करने वाले हैं एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. मी टू. अब हमने डॉल्फिन देखी थी लास्ट टाइम थाईलैंड, लेकिन वो वैसी थी बेचारी जिसकी एज सी हो जाती है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसी है बिल्कुल जो यंग है प्रॉपर. ऐसा उड़ने लगा मेरी, ऐसी होगी हवा से, ऐसे एक्साइटमेंट से अलग सी कि यार जब वो बीच बीच में अच्छा होता, मैंने पूछा ही नहीं आपसे. वैसा लग जा रहे थे और ऐसे नीचे कर रहे थे, झूला लग रहा था लिटरली, मजा आ गया. तो हम लोग आ चुके हैं डॉल्फिन इंटरेक्शन के लिए. मॉल में आए थे क्योंकि जो हमारा वाटर पार्क था वो इसी मॉल में, मतलब अटलांटिस में ही है वो. वही बात हो गई, पानी मतलब जाना पड़ेगा. विवेक एंड खुशी, थैंक यू सो मच. कैन दिस वन रीड इट? देन आई नीड. This is for? Just the safety rules. Okay. Don't worry. This is for safety, guys. Thank you so much. So all formalities are done by Ahmed. Thank you so much, Ahmed. And अभी हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल डॉल्फिन इंटरेक्शन के लिए, which is deep and play. तो काफी मजा आने वाला है. डूब जाओ. GoPro है ना? मस्ती करेंगे ना, मजा आएगा. या सो हम लोग बग्गी में बैठ चुके हैं एंड सारी पुरानी मेमोरीज ताजा हो गई है यहाँ. लेकिन मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसे मैसेज कर रहे थे रजक ने, लिखा था रजक बहुत छोटा है और यहाँ पे जो एक्टिविटीज वो बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं. अब नेक्स्ट टाइम हम माँ को लेके आएंगे, फिर मैं और रजक रुका करेंगे क्योंकि मैंने सारी एक्टिविटीज कर ली है. विवेक और माँ जाएंगे. यस. आपको ये कैसा लग रहा है? लास्ट टाइम हम आए थे तो हम नॉर्मली आए थे दुबई. हाँ. लेकिन इस बार मेरा था कि मैं आपको लग्जीरियस फील कराऊं. सो आपको हो पा रही है वो फीलिंग? आ पा रही है? बहुत मजा आ रहा है. या अभी भी कुछ कमी रह गई? नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा है. बहुत मजा, बहुत मजा है. अच्छा एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक डिवाइस मिलती है जो कि आपका टोकन नंबर होता है. ये आपका टोकन है यहाँ पे, इसमें वाइब्रेशन एंड साउंड होती है. सो आप इसको लेके कहीं पे भी जाओ, कुछ भी खाओ, कहीं पे बैठो. सो जैसे ही आपका नंबर आएगा ये वाइब्रेट करेगी एंड इसके अंदर एक साउंड आएगी, सो दैट आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपका नंबर आ गया और आपको काउंटर पर पहुँचना है. कि सबसे पहले हम लोग को चेंज करना है एंड हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसके बाद हम लोगों का इंटरेक्शन होगा विद द डॉल्फिन. पहले मैं सोचता था सिर्फ हम लोग देखेंगे बाहर से, लेकिन ऐसा नहीं है. हम लोग उनके साथ जाएंगे, डिप करेंगे एंड उनको छुएंगे, उनके साथ फोटो क्लिक कराएंगे. सो आई एम एक्साइटेड अगेन, है ना नू? मतलब जिस चीज़ को हम टीवी में देखते थे ना कभी बचपने में कि यार ये दो टीवी में होती है तो ऐसी होती है, आज हमें उसको छूने का. गोवा में थाईलैंड भी देखी थी, गोवा भी देखी थी, लेकिन वो ना बूढ़ी सी लग रही थी हमें थोड़ी. और लेकिन जो यहाँ है ना ये यंग है और उनके साथ फोटो, मतलब एक तो देखना अलग चीज़ है, उसको साथ टाइगर वाला एक्सपीरियंस कैसा था सच बताना? तो वो वाला एक्सपीरियंस है भी, मतलब जब आप उसको एक्सपीरियंस को फील करते हो तभी पता लगता है मतलब. लेकिन यार मैं ना एक दिन में एक ही एक्टिविटी करने वाला बंदा हूँ, मुझे ऐसा कि फिर ना धीरे धीरे मुझे ऐसा हो जाता है कि खत्म हो जाएगी यार एक्टिविटीज़.
लेकिन मैं सुपर एक्साइटेड था जिस चीज़ के लिए, जिस दिन मैं फैमिली को लेके आऊँगा वो सब लोग एक्टिविटी करेंगे। चलो फिर अब हम लोग जा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए। मुझे मिली है ये वाली कॉस्ट्यूम, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास है वी हैव अ लॉकर। ओ मैं हो चुका हूँ फिलहाल रेडी, आधा अधूरा पता नहीं कैसा, लेकिन कॉस्ट्यूम बड़ी सही है यार। मैंने कर लिया है चेंज और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। मैं वेट कर रही थी कब से। तो अभी हमारी दो एक्टिविटी डन होती है, अब हम लोग जाने वाले हैं लंच करने के लिए। मैं बहुत बहुत मुझे भूख लग रही है क्योंकि जितनी भी वाटर एक्टिविटी है इनको करके बड़ा अजीब सा फील हो जाता है, भले ही हम इसमें अंदर नहीं गए। एंड सेकंड थिंग, क्योंकि डॉल्फिन की वजह से फोन्स वगैरह अलाउड नहीं थे तब हम लोग रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पाए, और खुशी गई अभी जस्ट चेंज करने के लिए। सो आई एम वेटिंग, जैसी वो आती है हम लोग निकलते हैं सीधा खाना खाते हैं। अब वो बैग रखे हैं अंदर ही, मेरा फोन खुशी ने लॉकर में रखा था, ढूंढ रही है बाहर। हाँ भाई किधर चला लड़के? गाड़ी के वेट कर रही हूं। थोड़ा जल्दी है बिकॉज हमें अगली एक्टिविटी के लिए लेट हो रहा है। चलो 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 चलो। सो जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाना खाया, कुछ खाना आने में टाइम काफी लगा, लेकिन फिर हम लोग खा के निकल गए। ऊपर समुंदर है, नीचे टनल बनाती समुद्र के, वाओ है ना, पाम जुमेरा के नीचे। तो ये पहली बार मुझे पता लगी कि समुद्र के नीचे हैं हम। अब हम लोग जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, विच इज़ हॉर्स राइडिंग, और ये थोड़ी सी फनी वाली होने वाली है, और वहाँ पे हम लोग कैप्चर भी कर सकते हैं फुटेज शायद, अगर हम लोग अकेले अकेले गए तो पक्का करेंगे, लेकिन हम लोगों के स्लॉट साथ में बुक है। हम लोग जिस भी एक्टिविटी पे जा रहे हैं हम उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल जिस जगह फिलहाल हमें दुबई के सेम चंडीगढ़ वाली वाइब आ रही है, आगे जैसे मोहाली के इस सेक्टर में आ गए हम लोग।